बुलेटिन में अब रुख करते हैं राजधानी शिमला की ओर। शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 6 करोड़ से बने भवन का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज उद्घाटन किया। इस भवन के बनने से कॉलेज की छात्राओं को आधुनिक क्लासरूम की सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला स्थित आरकेएमवी प्रदेश का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है और इस भवन के बनने से छात्राओं की जरूरत पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है और कुल बजट का 16% शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। बहुत पुराना कॉलेज है और बड़ा कॉलेज है, 4000 के करीब बेटियां यहां पर शिक्षा ग्रहण करती हैं और आज मुझे खुशी है कि बी ब्लॉक लगभग 6 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन किया और उसके बाद सी ब्लॉक का इसका काम चल रहा है और आने वाले समय में इस ब्लॉक को भी हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने कहा है कि इसमें एडिशनलिटी फंड्स के लिए 2 करोड़ रुपये और हम देंगे। एक मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए बात कही है बच्चों ने और यहाँ के प्रिंसिपल के साथ साथ सारी टीम ने, तो उसके लिए भी हमने कहा कि उसको भी बनाएंगे और रिपेयर के लिए जो साइंस ब्लॉक यहाँ पर है उसके लिए भी मैंने कहा कि 40 लाख लगभग उसके लिए भी हम पैसा देंगे। मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में एक सामुदायिक हॉल बनाने और साइंस ब्लॉक की मरम्मत के लिए 40 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।